आज हमारी वार्ड के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बाड़िया में चोरी की घटना सामने आई है और सुबह ही मुझे मैम का स्कूल की हेड मैम का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि इस तरह से स्कूल के ताले टूटे हुए हैं और स्कूल के दो कंप्यूटर यहां से चोरी हुए हैं और स्कूल की साथ में स्टैम्प चोरी हुई है। तो पता नहीं अब कौन सा यहाँ के लोकल लोग हैं वो चोरी को अंजाम दे रहे हैं या कौन है, पर जैसे ही मुझे मैम का फ़ोन आया मैंने SHO पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया और पुलिस टीम अभी आती होगी, वो करेंगी अपनी कार्रवाई और पूरी उम्मीद है कि जो भी चोर हैं उनको पकड़ा जाएगा और पूरी कार्रवाई होगी उन पे। और इसके साथ में डिमांड करूँगी कि एटलीस्ट हमारी वार्ड में कई बार चोरी की घटनाएँ हुई हैं और कई बार कोशिश की गई है तो रात के टाइम ज़्यादा पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। और कुछ एरिया मैम से भी बात की है, मैंने बोला कि यहाँ पे स्कूल के बाहर एटलीस्ट ऐसी जगह पे जहाँ पे एंट्रेंस है या जहाँ पे ज़्यादा डाउट है कि यहाँ से चोर एंटर कर सकता है स्कूल में, वहाँ पे कैमरे लगाए जाएं। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारी वार्ड में आए दिन चोरियाँ होती हैं तो कुछ एरियाज़ जहाँ पे जैसे कुछ तंग गलियाँ हैं या स्कूल के एंट्रेंस हो गई या कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ पे ज़्यादा चोरी की घटनाएं सामने आई हैं उन एरियाज़ को अंडर सर्विलेंस रखा जाए। सर मेरा नाम कुलदीप सिंह है, मैं स्कूल में टीचर हूँ। हम जब सुबह स्कूल में इंटर किए तो गेट का दरवाजा लॉक ठीक था, अंदर आए तो दरवाजे का लॉक टूटा हुआ, तीन चार अलमारियाँ तोड़ी हुई हैं, दो कंप्यूटर ले गए हैं, बड़ी मैम के स्टैंप ले गए हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर में थे और अलमारी तोड़ी गई है। सर एक प्रॉब्लम खोड़ी, हम जब सुबह स्कूल आते हैं तो पहले अटेंडेंस लगानी होती है, हम तो जगह देखते हैं खाली शराब की बोतलें, बहुत गंदी गंदी बातें पड़ी रहती हैं, चोरी हो चुकी है। पिछले साल TV ले गए थे, उससे पहले मिड डे मील के पतीले ले गए थे जी, अभी भी कर दिया है, ऐसी बात नहीं है। अभी JDU साहब को बता दिया है तो अभी उन्होंने बुलाया हमें JDU ऑफिस, अब जाएंगे वहाँ तो देखेंगे फर्दर क्या करना है। किसी की नहीं हुई, ना TV की हुई, ना मिड डे मील के बर्तन थे, गैस के सिलेंडर थे, तीन चार बार हो गई, हर दफ़ा होती है सर। जो इतना पता नहीं क्यों घड़िया लोग हैं, घड़िया इंसान हैं जो ये हरकतें करती हैं, स्कूल को मंदिर को नहीं छोड़ते, बाकी तो दूर की बात है।